थ्रू द गॉट इन अवर लाइफ और सारी ही आशीष हमारे बीच में परमेश्वर के वचन के द्वारा आती the promises of God और परमेश्वर के उन वादों पे हमें और ज्यादा यकीन करना है your spiritual life should be more strong based on the God's word ताकि हमारा आत्मा का जीवन और भी मजबूत हो जाए परमेश्वर के वचनों पे आधारित होके word of God हर समय अपने दिल दिमाग में परमेश्वर के वचनों को रखें as much as possible keep on meditate in your mind and heart the word of god जितना ज्यादा हो सके दिल और दिमाग में परमेश्वर के वचनों का मनन करते जाएं the lord jesus christ as he promised i will never leave you nor forsake you जैसे यीशु मसीह ने वादा किया है ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा वो अपने वादों को पूरा ही करेगा सो today वन इम्पोर्टेंट ग्रेटेस्ट मिराकल गॉड इज गोइंग टू डू इन our लाइफ और आज परमेश्वर एक बहुत ही अद्भुत काम हमारे बीच में करने जा रहा है सो the ग्रेटेस्ट miracle in this world is We can see Jesus face to face. और सबसे बड़ा एक ऐसा अद्भुत चमत्कार है जहाँ पे हम यीशु मसीह को अपने आमने सामने देखते हैं स्वरूप में बनाए गए eligible to see God face to face. और इसलिए हम इस लायक हो जाते हैं कि हम उसके आमने सामने खड़े हो सके सो बट मेनी थिंग्स आर स्टॉपिंग अवर स्पिरिचुअल लाइफ टू ग्रो टू सी गॉड पर बहुत सारी बातें हैं जो हमें रोकती हैं हमें आत्मा के जीवन में बढ़ने से सो टुडे द होली स्पिरिट इज गोइंग टू स्पीक टू एवरी वन ऑफ यू और आज पवित्र आत्मा आप में से हर किसी से बात करेगा द लॉर्ड इज गोइंग टू चेंज यू एग्जैक्टली लाइक जीसस और परमेश्वर आपको बदल देगा बिल्कुल ही यीशु मसीह के स्वरूप में सो फॉर दैट यू हैव टू हैव द डिजायर टू चेंज योर लाइफ अकॉर्डिंग टू दैट ऑफ गाड पर इसके लिए आपकी भी इच्छा होनी चाहिए कि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को बदलने After द रिसन ऑफ जीसस क्राइस्ट जब यीशु मसीह जी उठा सो many डेज जीसस क्राइस्ट shown हिमसेल्फ

The Lord is ready to show Himself to you today. अगर आपके दिल में ये तड़प है कि मैं यीशु मसीह को देखूंगी और ये जरूर पूरा होगा फिर. So all your problem will be changed if you see Jesus face to face. आपकी सारी मुश्किलें बदल जाएंगी जब आप ये बात मान लोगे कि मैं यीशु मसीह को उसके आमने सामने देख पाऊंगी. All the worldly disturbance and the problem, the लस्ट ऑफ द डबल मनी एवरी थिंग विल गो अवे फ्रॉम यूर हॉर्ट एंड माइंड आपके दिल दिमाग ऐसी पैसे का लालच और यू नो विचार का लालच सब अपने आप चला जाएगा यूजॉय द्रेट पीस इन साइड यूर हार्ट और एक बहुत ही अद्भुत शांति आपके दिलों में उतर जाएगी वॉट एवर यू डल प्रॉस्पर जो कुछ आप करोगे वो फलवंत होगा एवरीवेयर नो मोर फेलियर इन यूर लाइफ आपके जीवन के किसी भी हिस्से में कोई भी निराशा नहीं आएगी ऑल दिन यूलफुल समय आप सक्सेस को देखेंगे सफलता को देखेंगे बिकॉज एवरी डे यूज टू सी जीसस फेस टू फेस क्योंकि आप हर रोज यीशु मसीह को सामने देख पाएंगे और इसीलिए यीशु मसीह ने हमारे लिए उस पे जान वे ही शेड हिज प्रेशियस ब्लड फॉर ऑन द क्रॉस और इसीलिए उसने उस क्रूज पे हमारे लिए अपने उस लहू को बेशकीमती लहू को बहाया ऑल टाइम बिफोर योर आइज द कुर्स सेवियर शुड बी हर समय आप आपके आंखों के सामने वो मसीह जो क्रूस पे हमारे लिए मारा गया होना चाहिए गलेशियंस 3:1 वेरी क्लियरली सेस गलातियों 3 एक कहता है द क्रूसिफाइड सेवियर इज पोर्ट्रेड बिफोर योर आईज हर समय वो क्रूस पे चढ़ा हुआ यीशु आपकी आंखों के सामने होना चाहिए सो दिस विल मेक यू एबल टू सी जीसस Soon face to face. to जब आप ऐसा करेंगे तो होता चला जाएगा कि आप एक दिन मसीह को सामने देख पाएंगे time before यूर आईस Jesus should be there. हर समय आपकी आंखों के सामने यीशु मसीह के बलिदान और उसका प्यार होना चाहिए time the cross should be inside your heart and mind. हर समय आपके दिल और दिमाग में वो क्रूस होना चाहिए सी एबल टू सी गॉड फेस टू फेस और होता चला जाएगा की एक दिन होगा कि आप यीशु मसीह को अपने सामने देखेंगे डियर फ्रेंड्स गॉड क्रिएटेड अस इन दिस टू गो थ्रू द

और उसने हमें बहुत ही सामर्थ्य बनाया है सो इज अ ग्रेट होप फॉर एवरी वन ऑफ और इसीलिए बहुत बड़ी आशा हम में से हर किसी के लिए है। और आज अपने दिलों को तैयार कर फेस और आज आप में से बहुत से लोग यीशु मसीह को अपने आमने सामने देखेंगे पवित्र आत्मा के रूप में आप अपनी आंखों को उस आत्मा में खुले हुए देखेंगे और आप यीशु मसीह को देख पाएंगे माइटी

यीशु मसीह को अपने सामने देखूंगा आई एम गोइंग टू सी जीसस टुडे और मैं आज यीशु को अपने सामने देखूंगा ओपन योर माउथ एवरीवन यू रिपीट हर कोई अपने मुंह को खोल के इस आई एम गोइंग टू सी जीसस टुडे और हमारे पीछे बोले कि आज हम यीशु मसीह को अपने सामने देखेंगे Jesus is going to live with me. यीशु Masi मेरे साथ रहेगा।

the evil spirit can't uh, overcome me anymore और दुष्ट आत्मा आप मुझे नहीं सता सकती है i am going to see jesus all the time in this life और आज से सदा अपने जीवन में मैं यीशु मसीह को देखूंगा Keep on praise the Lord from your heart. अपने दिल से उस परमेश्वर की महिमा करें. Jesus is going to reveal Himself to every one of you today. और जब आप ऐसा करते जाएंगे, यीशु मसीह अपने आप को आप लोगों के ऊपर जाहिर कर देगा. So turn your Bible, Matthew chapter five, verse eight. आइए हम अपनी बाइबल को खोलें, मती उसका पांच, उसका आठ. Here the Bible very clearly says. और यहाँ पे Bible साफ़ साफ़ कहती है Blessed are the people, those who are pure in their heart. They shall see God. परमेश्वर कहता है धन्य है वे लोग जो मन से शुद्ध हैं क्योंकि वो ही परमेश्वर को देखेंगे। So here the Lord is speaking about the heart. और यहाँ पे परमेश्वर हमारे दिल की बात करता है। Because heart is the unique uh, creation of the Almighty God. और एक दिल एक ऐसी जगह है जो एक बहुत ही अद्भुत परमेश्वर ने इसे रचाया है सो दॉट इज वेल कनेक्टेड विद माइंड जो हमारा दिल है वो हमारे दिमाग से जुड़ा है So whatever the desire is coming inside the heart, और जो भी इच्छाएं हमारे दिल में आती हैं, we are fulfilling that. और हम उसे पूरा होते देखते हैं. So everything whatever we are seeing through our our eyes, जो कुछ हम अपनी आँखों से देखते हैं, it is going to our mind first. और पहले वो हमारे दिमाग में जाती है. Then it is going inside the heart. और फिर वो हमारे दिल में जाती है. The heart is keep on justifying that things whether that is good or bad for us so some that's why sometimes inside our heart the inner man whenever we are Ready to do some sin, the inner man will say, no, no, this is wrong. So that's why this heart is created by God as the temple of the Holy Spirit. और इसीलिए परमेश्वर ने इस दिल को बनाया है हमारे शरीर के अंदर उसका एक मंदिर के रूप में dwell in our heart all the time और जो पवित्र आत्मा है वो हर समय हमारे दिल में ही रहना चाहती है बट द हैिंग डे टू डे इन अवर लाइफ इट इज ऑल द टाइम नेगेटिव और जो हम संसार में देखते हैं हमारे दिल में हर समय निराशा और बुरी बातें भर जाती हैं। Several times we are thinking the unwanted thing. और बहुत बार हम बेकार की बातें सोचते रहते हैं। All the time the bad thoughts, the negative thinking are coming inside our heart. बुरे विचार, बुरी बातें हमारे दिल दिमाग में चलती रहती हैं। But that is not

Once we are allowed the negative things, the bad things inside our heart, after that we are totally blinded, we are totally bounded with the devil's plan and the satanic attack. और जब हम उन बुरे विचारों को अपने पास आने देते हैं और उन्हें सोचते रहते हैं तो हम अंधे हो जाते हैं और हम उस शैतान के कब्जे में आ जाते हैं और तब ऐसा होता है आप और ज्यादा प्रार्थना नहीं कर Because पाते. Inside our heart, the things are there. क्योंकि आपके दिल में हर समय ये संसार की बातें चलती रहती the हैं. संसार की बातें आपको हर समय सताती

अगर हम वचन नहीं पढ़ते हैं इफ यू कैन एबल टू रीड द वर्ड फ्रॉम द बाइबल यू हैव टू रीड दिस बाइबल फ्रॉम द न्यू टेस्टामेंट फर्स्ट अगर आप पढ़े लिखे हैं और आप पढ़ सकते हैं तो आपको नया नियम सबसे पहले पढ़ना है सो आफ्टर दैट यू कैन रीड द सॉन्ग द बुक ऑफ सॉन्ग और उसके बाद भजन संहिता को पढ़ना है

को हर रोज तीन अलग अलग भाग बाइबल से पढ़ने हैं वन फ्रॉम द न्यू टेस्टमेंट एक नए नियम से वन फ्रॉम द सॉन्ग एक भजन संहिता से वन चैप्टर फ्रॉम द प्रोव और एक नीति वचन से सो दिस थ्री थिंग्स विल मेक यूर हार्ट full of Jesus. और ये जब आप पढ़ेंगे तो ये तीनों चीजें आपका दिल पूरी तरह से यीशु से भर देगा Jesus is the word of ऑफ गॉड ही वचन है वही वचन है. So if you are reading this word of God, अगर आप इस वचन को पढ़ते हैं Jesus will go inside. तो यीशु आपके दिल में उतर आएगा if Jesus is going इज गोइंग inside your heart, और, जैसे और आपके दिल में जाएगा the Holy Spirit will come upon you. और पवित्र आत्मा आप पे आती जाएगी every day you will see Jesus your heart will be all the time pure heart the worldly thing the worldly unwanted things can't rule your heart so seeing something is not at all a sin at one time then you are repeating the same thing and allowing in your mind

से शुद्ध क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। और इसलिए मैं अपने दिल को साफ रखूंगा आई विल नॉट गो बैक टू दैडली अन वेड थॉट और मैं संसार की बेकार की बातों में ना जाऊंगा। होली नाउट इज गोइंग अपॉन यू और इस समय में पवित्र आत्मा आप लोगों पे उतर रहा है टेक अ स्ट्रॉन्ग डिसन अपने दिल में निश्चय कर ले इफ यू मिस टूडे अगर आज का दिन आपने छोड़ दिया यू कॉन्ट कम बैक टू द होली लाइफ अगेन नेवर इन या लाइफ नहीं

क्या हो कोई भी गलती क्यों ना करी हो पर आज आप यीशु मसीह से बोले कि आज के बाद मैं ना मुड़ूंगा मैं तेरे ही पीछे चलूंगा जीसस इज रेडी टू फॉरगिव यू यीशु मसीह तैयार है आप लोगों को माफ करने के Even लिए इवन यू आर हैविंग द स्मॉल एंगर इन योर फैमिली यू आर फाइटिंग विद योर फैमिली मेंबर्स That also wrong according to the Bible. चाहे छोटा थोड़ा सा ही गुस्सा है चाहे आप अपने परिवार के लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं वो भी वचन के मुताबिक गलत है In your home, there should be a peace. आपके घरों में शांति होनी चाहिए Your husband should see you, and he should see Jesus in your life. और जो आपके पति हैं, वो आपके जी आपको देखे और आपके अंदर वो यीशु को देखे Your wife should see Jesus. थ्रू द गॉडली हस्बेंड और जो 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 वाइफ है वो अपने पति के अंदर शु मसीह को देखें सो टुडे चेंज एवरीथिंग इनसाइड योर हार्ट तो अपने दिलों के अंदर जो कुछ बदलना चाहिए आज आप उसे बदल दीजिए दिस नॉट क्रिएटेड टू कैरी द एंड वरीज ये दिल इसलिए नहीं बनाया परमेश्वर ने कि आप दुख के बोझ को लेके चलते रहें दिस हार्ट इज क्रिएटेड जस्ट फॉर द जॉय ऑफ द लॉर्ड और ये दिल इसलिए परमेश्वर ने बनाया है कि परमेश्वर का आनंद आपके दिल में भरा रहे ऑल द टाइम देयर शुड बी अ जॉय इनसाइड योर हार्ट हर समय आपके दिल में परमेश्वर का ही आनंद भरा रहना चाहिए आपका दिल हर समय उबलता रहना चाहिए परमेश्वर के प्यार से। so that is the pure heart. और वही शुद्ध दिल है। और हर समय आपके दिल से वो आनंद वो उद्धार का आनंद निकलता रहना चाहिए और जब आप ऐसा करेंगे तो पवित्र आत्मा को और भी अभिषेक आप लोगों के ऊपर ठहरेगा How many of you are not yet filled with the holy spirit इतने लोग इस समय में भी पवित्र आत्मा से नहीं भरे हैं today ask the lord मांगे परमेश्वर से आज the lord is going to give you the joy in your life और परमेश्वर आज आपके जीवनों में आनंद को भर देना चाहता है in your family your in your husband may not be a believer और हो सकता है कि आपके परिवार में आपके पति विश्वासी ना हो। He may have some kind of the worldly addiction हो सकता है उनके संसारिक किसी बातों में फंसे हों how you can win his soul for christ अब आप उसके जीवन को कैसे बचाएंगे यीशु मसीह में first you have to allow the god's love inside your heart according to romans 5:5 पहले सबसे पहले आपको उस परमेश्वर के प्यार को अपने दिल में आना है रोमियो 5:5 पाँच पाँच के अनुसार your heart should be filled with आपका दिल

होम शुड बी फुल ऑफ फी आपका घर पूरी शांति से भरा होना चाहिए और मांगे परमेश्वर से आज कि मुझे शुद्ध दिल दे दे, give, ना अपना पवित्र दिल दे दे प्योर heart, O oh Lord। मुझे पवित्र दिल दे दे परमेश्वर। आई want टू सी यू मैं तुझे देखना चाहता हूँ देखना चाहता हूँ स्ट्रॉन्ग heart कीप योर गॉड अगर आज आप अपने दिल में ये डिसीजन ये निश्चय कर लेते हैं परमेश्वर के सामने और ऐसा होगा कि आप यीशु मसीह के को अपने सामने देखने पाएंगे what द बाइबल टॉक अबाउट our heart? और बाइबल क्या कहती है हमारे दिल के बारे में जेरेमिया सेवेंटी नाइन उसमें हम देखते हैं जर्मिया उसका सत्रह उसका नौ हियर द बाइबल से यहाँ पे बाइबल कहती है द ह्यूमन हॉट इज द मोस्ट डिसुल्स एंडली मनुष्य का जो दिल है बहुत ही बुराई से भरा पड़ा है और बहुत बारी संसारिक बुराइयां उसके अंदर भरी हुई है तो कौन इस बात को जान सकता है कि वो कितना बुरा है बिकॉज देर इज ए चॉइस बिफोर अवर doors of the heart. और हर समय हमारे दिल के दरवाजे के सामने मौका होता है So one side, the worldly things, एक तरफ संसार की बातें द लस्ट ऑफ द वर्ल्ड और संसार का वो लालच साइड इज द life, द holiness ऑफ गॉड और दूसरी तरफ उसका हिस्सा दिल का हिस्सा कहता है परमेश्वर के साथ पवित्र जीवन जीना सो so फॉर uh, which ऑप्शन वी आर ओपनिंग द डोर वी विल बी लाइक दैट और जिस तरफ हम वो दरवाजा खोल देते हैं हम वैसे बदल जाते हैं इफ वी आर ओपनिंग worldly साइड worldly लस्ट अगर हम संसार का दरवाजा खोलते हैं वो लालच को खोलते हैं

बहुत अच्छी लगती है कि आत्मिक बातें द सेवरल मिलियंस और बहुत सारे ऐसे वीडियो लोग मिलियन मिलियन के रूप में उसे देखते जाते हैं देखते जाते हैं। पीपल 20 पीपल 40 पीपल और जो परमेश्वर का वचन है वो सिर्फ चालीस या पचास लोग ही देखते हैं यू शुड नो हाउ द डेविल इज पुटिंग द स्नैर बिफोर एवरीवन ऑफ अस और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि शैतान कैसे आपके दिलों को इस्तेमाल कर रहा है कि वो संसारिक चीजें देखें। Select the choiceful choice, अच्छी चीज को चुने क्योंकि वो आपके लिए चुनी गई है। So your heart, if you are the another side, the holiness of God, how you can keep your heart with the holiness of God? अगर आपका दिल संसार की तरफ है, तो आप अपने दिल को कैसे पवित्र रख पाएंगे?

रिलेशनशिप बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड और जो बहुत सारे जवाब लोग हैं वो हर समय बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़े रहते हैं इफ यू आरिंग दियर ऑफ गॉड इन साइड यूर घट अगर आपके दिल में परमेश्वर का वो भय बी यूर बेस्ट फ्रेंड तो ये आपका वो सच्चा और पक्का मित्र होगा राइट ये यू विल बी सेटल इन द मैरिज लाइफ और आपके जीवन के सही समय पे ही आप उस समय में पहुँचेंगे यू विल ग्रो इन द होलीस ऑफ गार्ड और परमेश्वर की पवित्र में आप बढ़ेंगे दिस इज द गॉड्स प्लान और यही परमेश्वर की योजना है रिलेशनशिप इज नॉट एट ऑल रिटन इन द बाइबल ये झूठे बंधन बाइबल में नहीं लिखे हैं दैट इज अ सिन अगेंस्ट गॉड और ये परमेश्वर के आगे पाप है सो यू शुड लव जीसस एंड सेटल इन द लाइफ विद सूटेबल लाइफ पार्टनर थ्रू द मैरिज और आपको यीशु मसीह को प्यार करना है और इंतजार करना है वो सही जीवन साथी का समय आने के लिए सो सच वे यू कैन मेक यूर हॉट और इस तरह से आप अपने दिल को साफ रखेंगे दूसरों के लिए और परमेश्वर के लिए सो दिन और ये नौ कहता है कि हमारा जो दिल है वो बहुत ही मतलब बुराई से भरा हुआ है और उसके अंदर बुरी बुरी बातें भरी दिस वर्ड ऑफ गार्ड इज रिटर्न इन दस्टमेन और ये वचन ऐसा है जो पुराने समय में पुराने नियम में लिखा गया बट इफ यू कम इन टू द न्यूमैन अगर आप नए नियम में आते

ताकि आप परमेश्वर को देख सके टूडे यू आर रेडी टू सरेंडर लाइफ क्या आज आप तैयार हैं अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप देने के Lord, लिए। लिए मैं तेरे लिए पवित्र जीवन थिंग्स फुलर मेरा दिमाग संसार की बातों में ना जाएगा आई विल है माइंड ऑफ क्राइस्ट मेरा दिमाग हर समय तुझे ही सोचेगा लॉर्ड मेक माई हॉट क्लीन परमेश्वर मेरे दिल को साफ कर दे

ताकि आप वो पवित्र जीवन जो उसने आपके लिए ठहराया है उसके साथ जी सकें द बाइबल से बाइबल कहती है द वर्ल्ड ऑल द लस्ट ऑफ द वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉय एंड डेमोलिश संसार की ये जितनी भी चमक-दमक है जितना भी लालच है एक दिन ये नाश हो जाएगी हु से डू देयर विल ऑफ गॉड पर जो कोई उसकी मर्जी को पूरी करेगा दे विल लिव फॉरएवर वो ही सदा के लिए जीने जा रहे हैं सो जीसस क्राइस्ट इज द

और मेरे ये जीवन तेरी ही सामर्थ्य में हो सो हियर दर्ड ऑफ गॉड से क्लीन हार्ट और यहाँ पे हम इस वचन में देखते हैं कि परमेश्वर तैयार है आप लोगों को साफ दिल देने के लिए सो इफ अवर हार्ट इज नॉट क्लीन

फॉर द बिलीवर्स लाइफ और ये विश्वासी के लिए एक बहुत ही बुरी बात होगी और इस समय में परमेश्वर यीशु मसीह का लहू तैयार है आपको साफ करने के लिए can't continue the old sins anymore। पर हम लगातार उस पुराने पाप को ना करें the watching cinema। अगर आप पिक्चरें देखते हैं तो वो भी ना करें इवन द सिनेमा सॉन्ग्स पिक्चरों के गाने ना सुने सोशियल सॉन्ग्स वट एवर इट मे बी और कोई भी संसारिक गाने रैदर देन द स्पिरिचुअल थिंग्स ऑल थिंग्स आर नॉट according to the god's plan अगर वो आत्मिक चीजें नहीं है तो वो परमेश्वर की योजना में आप लोगों के लिए नहीं है So today every one of you take a strong decision और आज हर कोई अपने दिलों में इस बात को ठान ले lord i will not waste my time any more with the worldly lustful things परमेश्वर आज से मैं अपने समय को बेकार जाया ना करूंगा संसार की बातों को देखने के लिए क्रिएट इन मी क्लीन हार्ट परमेश्वर मेरे अंदर उस नए दिल को बना दे हाउ मेनी ऑफ यू आर योर योर टीयर्स टुडे फॉर सिन और इस समय में कितने लोग अपने ही पापों के लिए रो के मांग रहे हैं परमेश्वर से हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू लिव अ होली लाइफ एवरीडे डेटिल द लास्ट ब्रेथ इन दिस वर्ल्ड और कितने लोग इस समय निश्चय कर रहे हैं कि मैं पवित्र जीवन जीऊंगा अपनी आखिरी सांस तक सच ए पीपल यू आर रिसीविंग ए गुड न्यू हॉ टे और वही लोग इस समय में नए दिल को पा रहे है लॉर्ड इज क्लंट सिंग यू एंड मेकिंग यू मोर होली साफ कर रहा है आपको और भी पवित्र बना रहा है थ्रू यूर प्योर हा आपके उस साफ और शुद्ध दिल के कारण यू आर गोइंग टू सी जीसस फेस टू फेस और आप यशु मसीह को अपने आमने सामने देखने पाए दिस इज द ग्रेटेस्ट मेरा स्व ये संसार का बहुत ही बड़ा चमत्कार है Whether I am having food or money or not, I am having a pure heart.

परमेश्वर के उस भय के कारण मैं कैसे इस पाप को कर सकता हूँ पाप को कैसे कर सकता हूँ एवरी यंगस्टर्स फियर ऑफ गॉड जो लोग इस समय में जवान है उन्हें परमेश्वर का भय होना चाहिए एवरी वर्ड ऑफ माई माउथ एवरी एंड था डायरेक्टली जो कुछ मेरे मुँह से अब शब्द निकलते हैं बुरी बातें निकलती है यीशु मसीह मुझे देख रहा है ये बात इस समय में जवान लोगों को पता होनी चाहिए That is the fear of God. और यही परमेश्वर का भय है यंग मैन कैन क्लीन वे और जो जवान लोग हैं वो अपने रस्तों को कैसे साफ कर सकते हैं? परमेश्वर के के वचनों अनुसार so परमेश्वर का वचन ही आपको परमेश्वर का भय दे देगा so वचनों को पढ़ेंगे आप उसको समझेंगे उसका भय आपके जीवन

परमेश्वर मुझे लगातार धोता चला जा ओ गॉड कीप मी फ्रॉम माय सीक्रेट सेल्फिश सिंस और ऐसी गुप्त बातें ऐसे गुप्त पाप जो मैंने किए हैं मुझे बचा हियर द बाइबल इज टॉकिंग अबाउट वन द सेल्फिश सिन और यहां पे जो भजन संहिता लिखने वाला बताता है ऐसे पाप जो मैंने अपने ही कारण अपने लालच के कारण व्हाट इज द सेल्फिश वो वो मतलब क्या है कि अपने कारण करना ओनली प्रेइंग फॉर अवर सेल्व वो जब हम अपने लिए ही करते हैं लॉर्ड ब्लेस 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 मी 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 ब्लेस मी और हर समय मांगते हैं मुझे आशीषित कर दे मुझे आशीषित कर दे बट प्लान वी हैव टू प्रे फॉर अदर्स परमेश्वर की योजना है कि आप दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें दैट इज द गॉड्स प्लान ये परमेश्वर की योजना है इफ यू आर प्रेइंग फॉर अदर्स अगर आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे गॉड विल मेक यू मोर होली और परमेश्वर आपको अपने आप पवित्र कर देगा यू विल बी और आप अपनी पवित्रता में बढ़ते चले जाएंगे You will not do any selfish sin। और आप अपनी लालच वाली बातों के पाप को ना करेंगे भजन संहिता 19 तेरह और 14 कहता है secret selfish sins और फिर ऐसा होगा की जो पाप मेरे गुप्त में किए थे मेरे ऊपर हावी ना होंगे लॉर्ड ओनली फ्री फ्रॉम फॉल्ट एंडियन और तेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मण योग्य हो यह होमेश्वर मेरी चट्टान और मेरा उद्धार करने वाला है Be always pure and pleasing, acceptable before Your eyes, oh Lord. भजन सहिता 1914 कहता है कि मेरे वचन, मेरा दिल हर समय तेरे सामने योग्य हो परमेश्वर सो अ वंडरफुल वर्ड दिस इज कितना ही अद्भुत वचन है ये देखो लॉर्ड यू नो माई थॉट परमेश्वर तुझे पता है मैं क्या सोच रहा हूँ लॉर्ड यू नो माई एवरी मूव ऑफ माई हार्ट मेरा चलना बैठना मेरे दिल का सब कुछ पता है लॉर्ड माई मेडिटेशन माई थॉट परमेश्वर मेरे मनन जो मैं विचार करता हूँ वो भी पता है एंड एवरी मोमेंट ऑफ माय हार्ट और मेरा दिल किधर किधर घूमता है वो भी तुझे पता है सो गॉड वांट टू मेक यू मोर होली और इसीलिए परमेश्वर आपको और भी पवित्र करना चाहता है गॉड वांट टू मेक यू मोर होली परमेश्वर आपको पवित्र करना चाहता है सो वन मोर वर्ड आई एम गोइंग टू गिव यू एक और वचन मैं आपसे बांटूंगा रेवल्यूशन ट्वेंटी टू थ्री टू फाइव प्रकाशित वाक्य बाईस उसका तीन से पाँच सो हियर 5 और बाइबल कहती है जिस किसी के पास में भी वो शुद्ध दिल है प्रकाशित उसका से पांच शैल बी नो मोर कर और उनके ऊपर कोई श्राप ना होगा बट of ऑफ गॉड एंड ऑफ द लैम शैल बी इन इट एंड servants shall सर्व हिम और जो और फिर श्राप न होगा और परमेश्वर के मेमने का सिंघासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे प्रकाशित वाक्य 22 का जो चार वचन है बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसमें लिखा है और उसका मुख देखेंगे और उसका नाम उनके हाथों पर लिखा होगा

God is inside our heart. और परमेश्वर का राज्य आपके दिल के अंदर है. If you are having a pure heart, the kingdom of heaven will be inside you. अगर आपका दिल पवित्र है, तो परमेश्वर का राज्य आपके अंदर में है. You will see God face to face every day. और आप यीशु मसीह को अपने आमने सामने देख पाएंगे. All the worldly needs will automatically come. और संसार की जितनी भी जरूरतें हैं, आपकी वो अपने आप आ जाएंगी. The Bible never talk about the money. परमेश्वर बाइबल कभी भी

आप में से हर किसी को भर देना चाहता है today. और यू विलिंग टू सी गॉड फेस टू फेस टूडे आप तैयार है यशु मसीह को अपने आमने सामने देखने के लिए जस्ट मेक यूर गॉड प्योर टूडे अपने दिल को आज आप साफ कर दीजिए एवरी वन क्लोज यूर आइज री ऑफिस वी आर ऑलरेडी डिड लॉर्ड और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातों को छोड़ा है सोच लॉर्ड वीव विद्यू लाइफ और परमेश्वर आपको एक नया जीवन देना चाहता है मुझे नया दिल दे How many of you need the new heart to see Jesus? कितने लोगों को इस समय में नया दिल चाहिए यीशु मसीह को देखने के लिए? Such a people you cry before Lord for your new heart today. और वो लोग यीशु मसीह से रोके मांगे कि परमेश्वर मुझे अपने उस नए दिल से भर दे। Lord create in me a new heart. परमेश्वर उस नए दिल को मेरे अंदर बना दे। Create in me a clean heart. मेरे अंदर उस साफ दिल को भर दे परमेश्वर। Lord renew the steadfast spirit within me. और वो मेरे से मेरी आत्मा को नया कर दे। सैमसन लॉस्ट और जो सैमसन था उसने उस अभिषेक को खो दिया था बट यू हैव यू कैन प्रे टूडे लॉर्ड डू नॉट कैस्ट मी अवे फ्रॉम यूर प्रसेंट सोलॉ आज आप प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर अपनी मौजूदगी से मुझे दूर न जाने देना लॉर्ड डू नॉट होली स्पिरिट फ्रॉम मी पवित्र आत्मा को ना ले लेना Lord, once I was a believer. I read the Bible and pray more. रोज, रोज but now, due to the sin, I am away from you. तेरे, तेरे now, Lord, restore me back. Lord, do not take away the Holy Spirit from me. You cry before God now. मांगे इस समय में होली स्प्रिड इज आत्मा उतर रहा है प्योर हार्ट फ्रॉम गॉड से उस साफ दिल को ले लीजिए अपने लिए एवरी वन क्राई बिफोर गॉड इस समय में ये आगे रो, रो के मांगे की मुझे भर दे अपनी आत्मा से ओपन यूवर माउथ एंड क्राई टू द लॉ मुह को खोल के मांगे परमेश्वर मुझे भर दे

जनरल मुझे एक अच्छी आत्मा ऐसी भर दे अपॉन यू इस समय में बहुत लोगो के ऊपर उतर रहा है एवरी यंगीव द होली स्पेरी आत्मा ऐसी भर जाए होली स्प्रेड इज कमिंग अपॉइन एवरी यंगस्टर इतना जवान लोगो के ऊपर उतर रहा है इस समय में होली स्प्रेड इज फीलिंग यू भर जाए रिसीव Receive. Receive the Holy Spirit is filling you. Filling you. Be filled with the joy of the Lord.

मुंह खोलेंगी लड़ाई झगड़ों के लिए यू विल ऑल द्योर इन गॉड हर समय आप अपने दिल में पवित्र रहेंगे यू विल सी जीसस फेस टू फेस टुडे अपना मुंह खोल के मांगते जाए कि आज मैं यीशु मसीह को अपने आमने सामने देखूंगा नाउ द लॉर्ड इज ओपनिंग यूर स्पिर और इस समय में परमेश्वर बहुत सारे लोगों की आत्मिक आंखों को खोल रहा है यू आर गोइंग टू सी विजन एंड ड्रीम्स टुडे ऑनवर्ड आज से आप लोगों को वो सपने आएंगे और आप लोगों को विजन आएंगे मोर देन दैट यू आर गोइंग टू आप आप यीशु यीशु मसीह मसीह को को अपने अपने आमने आमने सामने सामने देखेंगे। देखेंगे। होली लाइफ बिफोर गॉड हर समय परमेश्वर के आगे अपनी पवित्र राय के जीवन को बनाए You यू विल रीड द बाइबल मोर वचनों को और ज्यादा पढ़ें। More टाइम यू विल रीड द बाइबल और ज्यादा परमेश्वर के वचनों को पढ़ें सो व्हेनेवर यू रीड द बाइबल गॉड विल गिव यू द रेवलेशन फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड जितना ही आप वचनों को पढ़ेंगे परमेश्वर आपको प्रकाशन देता चला जाएगा गॉड विल स्पीक टू यू थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड परमेश्वर आपको वचनों के द्वारा करेगा थैंक यू जीस फॉर ब्लेसिंग धन्यवाद परमेश्वर तेरी के लिए लोगों ने इस बात का निश्चय कर लिया है आप देखना कि आपके जीवनों से मुश्किलें चली गई हैं। टूडे ऑनवर्ड यू विल है न्यू आज से परमेश्वर ने आपको नया दिल दिया है यू आर गोइंग टू सी जीसस फेस टू फेस और आप लोग बहुत सारे लोग इस समय में ये दे, सामने देखेंगे ऑल इवर सिक्नेसर गाँव आपकी

जस्ट बिलीव माई बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द होली आपको इस बात का यकीन करना है कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का घर है मेडिसिन विल नॉट नो नीड इन यूर फैमिली और अब से दवाइयों की जरूरत आपके परिवारों में ना होगी नो मोर मंथली मेडिसिन आएगी नो मोर मंथली मेडिकल महीने का मेडिकल के ऊपर खर्चा ना होगा इंस्टीड ऑफ देट आप उस अपनी आत्मा के जीवन में बढ़ने लगेंगे that, और आप उस परमेश्वर के वचन में बढ़ने लगेंगे। छोड़ूंगा और ना ही मैं तुम्हें every day all the 24 hours you will see God face to face you will hear the voice of God every step you will go according to the God's plan thank you Lord for your blessings in Jesus name we pray Amen, Amen.